प्रदेश श्रीमती सीमा जी शर्मा, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, श्रद्धांजलि समारोह में पधारने पर स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं। प्रभु प्रेमियों, न जाने कितने मुद्दतों से सुनते आए हैं कि मामा ठंडियां छावा, मामा ठंडियां छावा। पूरी खुदाई को अगर केवल और केवल एक शब्द में पिरोने को कहें, एक शब्द में कहने को कहें, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर माँ कह सकते हैं, पूरी खुदाई को माँ कह सकते हैं। उस माँ की श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रभु प्रेमी संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के नाते हमारे विभिन्न ट्रस्टी आदरणीय विवेक जी ठाकुर, नरूला जी, लाहौरिया जी और देश के कोनों कोनों से विभिन्न प्रभु प्रेमी संघ की शाखाओं से आए सभी प्रभु प्रेमियों की ओर से, स्वामी जी के दूसरे ट्रस्ट स्वामी अवलेशन फाउंडेशन की ओर से, श्री श्री पराशक्ति धर्मा ट्रस्ट की ओर से, दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन आप सब की तरफ से भेंट करता हूं। और जिस माता के लिए मैं श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूं, वैसे तो आप जानते हैं कि आप कितने जन्म लें, मां का कर्ज हम उतार नहीं सकते, लेकिन जिस मां की बात मैं आज कर रहा हूं, जिस मां ने मानव तुल्य पूज्यपाद गुरुदेव जैसे विभूति को जन्म दिया हो, उस मां को कितनी बार नमन करने का मन करता है, उस मां को अनेकों बार प्रणाम करने का मन करता है। ऐसी मां कितनी पवित्रा होगी, कितनी भाग्यशाली होगी। सच मानिए, ये माता भी कृष्ण की मां रुक्मणी और कौशल्या से कम नहीं है, जिसने हमारी पूज्य गुरुदेव को जन्म दिया। ऐसी माता को अनेकों वंदन, अनेकों प्रणाम। और एक बात इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, पूज्य महाराज श्री को बहुत से लोगों ने अपने शोक संवेदना भेंट की, बार बार महाराज से टेलीफोन करते थे, मिलते थे, हर व्यक्ति एक ही बात पूछता था कि कितनी उम्र रही होगी माता की, कितनी उम्र रही होगी माता की। और महाराज जी बार बार बोलते थे कि सेंचुरी से एक कम। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने 99 वर्ष पूरे किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि माता माँ बाप की तो कभी उम्र पूछने नहीं चाहिए। माँ तो 199 साल भी जिए तभी थोड़ी है, माँ का साया तो सिर से कभी उठना नहीं चाहिए। इसलिए निवेदन, मैं इस मंच से निवेदन करता हूँ कि माँ कितनी वर्ष होकर भी जाए, लेकिन हम माँ की उम्र को कभी याद नहीं करेंगे। एक बार सभी प्रभु प्रेमियों की तरफ से पूज्य गुरु श्री के चरणों में, बाबू जी के चरणों में वंदन करता हुआ, आप सब की तरफ से, प्रभु प्रेमियों की तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माता जी के अवसान के बाद गुरुदेव के पास प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, टेलीफोन के माध्यम से सभी ने अपनी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, जिसमें सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य, परम पवित्र, परम गुरुदेव, निवृत्तमान शंकराचार्य, समन्वय साधना के, समन्वय परिवार के अध्यक्ष, भारत माता मंदिर के संरक्षक, संस्था